सिर्फ एहसास कि तुम पास हो बस, सिर्फ एहसास के नजदीक हो तुम। अनगिनत लोगों में घबराई हुई, अजनबी आंखों से लज्जाई हुई, तन पे लगती हैं चिपकती आंखें, बर्फ सी ठंडी सुलगती आंखें, अनगिनत नजरों में उलझा लिपटा, अनगिनत चेहरों में रखा चेहरा, सैकड़ों तागों में उलझाई हुई, सहमी सिमटी हुई, शर्माई हुई। सिर्फ एहसास के पास हो तुम, सिर्फ एहसास के नजदीक हो बस। हमारा सिंस अरेंज मैरिज है, तो हम लोग पूरे फैमिली के साथ ही मिले थे। हम उनके भी पेरेंट्स आए थे, हमारे भी पेरेंट्स गए थे, तो हम लोग हल्दीराम्स में मिले थे। एंड मैंने जितना पहले सुना था उनके पेरेंट्स से कि वो बहुत नर्वस रहते थे और बहुत कॉन्शियस थे हर चीज़ के लिए, उनको ओपन अप होने में टाइम लग रहा था। तो ये चीज़ मैंने सुना था, बट देन जब हम उनसे मिले, वो पहले देख के जब लगा कि वो बहुत क्यूट थे, एंड फिर जब आस्ते आस्ते करके बात होना स्टार्ट हुआ, तो इंस्टेंट कि हम उनको कंफर्टेबल करते, बिकॉज आई न्यू कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और हर एक चीज़, तो ही एक्चुअली मेड मी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा। सर झुकाया जब जैसे दरगाह पे बांधे धागे, तब फर्स्ट टाइम हम मिले थे हल्दीराम्स में। एंड मेरे नैना से मिलने के पहले हम लोग, मेरा फैमिली नैना से मिल चुका था, उसके फैमिली से मिल चुका था, और मेरे फैमिली को सब कुछ बहुत पसंद था। तो उस समय बैंगलोर में था, फिर मुझे कॉल किया गया था कि ये वीकेंड आओ तुम भी देख लो। तो फिर उस वीकेंड मैं बैंगलोर से कलकत्ता ट्रैवल किया था, फिर हम हल्दीराम्स में मिले। एंड देन माई फर्स्ट इम्प्रेशन जब मैं उसको देखा था वॉज दैट एकदम वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, प्रॉपरली ड्रेस्ड कोई है वहाँ पे। एंड वो भी नर्वस थी, मैं भी बहुत नर्वस था, थोड़ा नर्वस टाइम्स था, बट या वी मेट, वी स्पोक, एंड देन नर्वसनेस सब डिफ्यूज हो गया, इट फेल्ट गुड। गन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके मेरे सोनिया सोनिया वे वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिले लगया मेरे सोनिया सोनिया वे वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिले लगया माई। आई फील इट्स अ गुड थिंग कि हम दोनों वी एंडेड अप टुगेदर सिंस वी हैव अ लॉट इन कॉमन, मेंटालिटीज मैच करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज करने का स्कोप नहीं है, बिकॉज वी बोथ वांट द सेम थिंग। सो थैंक्स टू आवर पेरेंट्स कि सब कुछ हम लोग साथ मिल पाए, वरना ऐसा हो नहीं पाता। वी वाज डेस्टिन्ड टू बी दैट वे, इट वाज फन। मेरा तू है माई गणा वे है दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा उन्नी मैं तेरी मेरे सोनिया सोनिया। इनके बारे में अच्छा ये है कि ये बहुत ज़्यादा जॉली है, बहुत बहुत कंफर्टेबल करते हैं, किसी को भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। एंड बुरा वाइज इनमें अभी तक तो मेरे को कुछ दिखा नहीं जो बुरा है, और ये बहुत केयरिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे को हमेशा अच्छा ही फील करवाते हैं। भले अगर मेरे को जितना भी इरिटेशन हो रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर हम उनसे डिस्कस करते तो वो हमेशा उस चीज़ का सलूशन निकालते, विच इज़ अ प्लस पॉइंट हमेशा। आई एम ग्लैड दैट इट्स नोबडी बट यू। यस मी टू। और हमारा जर्नी बहुत अच्छा रहा, तो या आई मीन इतना महीना, इट्स अ लॉन्ग पीरियड, बट वी डे इन डे आउट हमने एक दूसरे को बहुत टाइम दिया। संग में अलग दुनिया बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है।
है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी राहत जिसे मेरी चाहत जिसे मुझे बस यही रह जाना है तू ही दिल जा है मेरी अब से, मैं जिक्र तेरा ना चाहे मेरे लब से, बुलावे तुझे यार आज मेरी गलिया, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया, जो हो वे तू दस मुझे देखे हंस ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। वेडिंग का लेके मेरे को अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा बस नर्वसनेस भी है, बट जब हम लोग बात करते हैं इस बारे में तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो हमेशा बोलते हैं कि वो हमेशा मतलब वहाँ पर जो भी होगा वो अच्छे से अरेंज करके रखेंगे। 2-3 वीक बाकी है अब हमारे वेडिंग के लिए, तो आई एम 80% एक्साइटेड, 20% नर्वस, बट देन अगेन इतना बात हम ऑलरेडी और इतना टाइम हम स्पेंड कर चुके हैं ओवर द लास्ट ईयर आई वुड से ऑलमोस्ट, दैट आई गेस अगर कोई और होता तो मे बी मैं अभी 80% नर्वस होता और 20% एक्साइटेड। चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। जो मेरे दिल को दिल बनाती है।